वाले हैं बहुत सारे काम। तो आज सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों। आज है संडे वाला दिन और आज संडे वाले दिन में मुझे है बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो मैंने टू डू लिस्ट बना दी है। तो पर सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट। इन ग्रॉसरीज को थोड़ा ऑर्गेनाइज करूंगी, उसके बाद बेडरूम को थोड़ा रीसेट करूंगी। लेट्स सी आज कितने काम हो पाते हैं। काव्या भी घर पे है तो आज कुछ काम होना नामुमकिन है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो आज मैं बना रही हूँ तवा बर्गर। तो तवा बर्गर बनाने के लिए मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप कर रखी है। मैं बहुत बार ये बना चुकी हूँ और आप बच्चों को टिफिन में भी इसको दे सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ना वेजिटेबल्स चॉप कर दिए हैं, कैरेट और कैप्सिकम। आपके पास जो भी हो, आप बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे ले रखे पोटैटो, दो तीन पोटैटो, पनीर, और ये मैंने टमाटर की प्यूरी बना रखी है जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची डाली हुई है। मैंने डालना है थोड़ा सा तेल, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। और थोड़ा सा मैं ना अभी वो तवे में थोड़ा सा सौते करूँगी, थोड़ा सा हल्का सा, तो डाट के इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। और सी कितना प्यारा लग रहा है, लुक। ब्रेकफास्ट करने के बाद माई नेक्स्ट टास्क वॉज टू चेंज द बेडशीट इन द बेडरूम। आई चेंज बेडशीट्स एवरी वीकेंड। बेडरूम में आप केवल बेडशीट और पिलोस कवर ही चेंज कर दो, रूम अपने आप ही इतना रिफ्रेशिंग लगने लगता है। यू डोंट नीड टू एक्सपेंसिव एंड फैंसी थिंग्स टू डेकोरेट अ बेडरूम। और आज बाहर बहुत अच्छी धूप खिली हुई है तो मैंने सोचा आज इनको वॉश भी कर दूँ। वाई पोस्टपोन वर्क फॉर टुमारो, जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी काम निपटा लेना चाहिए। कभी कभी घर के काम करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं। इवन मैं भी बहुत टाइम ऐसे होता है कि जब मैं घर के काम करते करते खुद को इतना एग्जॉस्ट सा फील करती हूँ। बट होम डेकोरेशन एक ऐसी चीज़ है विच आई एंजॉय अ लॉट। घर को सजाने में मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है और ये चीज़ें मेरे अंदर ना धीरे धीरे ही आई हैं। As I said, you don't need expensive and fancy things to decorate a bedroom. But one thing, that is plants. Live plants bring life to any corner of the house. दिल्ली में आजकल बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो बहुत दिनों से बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे थे।
मैनी डेज ऑफ क्लोथ्स हैड एक्यूमुलेटेड, सो आज मॉर्निंग में मैंने सोचा कि सब सारे कपड़े जितने भी थे मैं धो देती हूँ, एंड आई हैव कॉल्ड काऊ हियर फॉर हेल्प. बाय इंगेजिंग चिल्ड्रन इन हाउस होल्ड चोर्स यू कैन टेक देयर अटेंशन अवे फ्रॉम टीवी, फोन्स एंड लैपटॉप फॉर सम टाइम्स. एंड काऊ ना मेरी कॉपी कर रही है, मैं जैसे ही कर रही हूँ वो वैसे ही करती जा रही है. यही चीज़ें होती हैं बचपन में, हम बच्चों को जो भी सिखाते हैं बच्चे उसको जल्दी ही अडेप्ट करते हैं. तो इसी उम्र में बच्चों को जो भी चाहे आप सिखा सकते हो, चाहे घर के काम हो चाहे वो स्टडी है. सामान तो हम लेके आ जाते हैं, ट्रॉली में एकदम से भरते हैं और घर पे भी लेकर आ जाते हैं, बट जब इसको ऑर्गेनाइज करने की बारी आती है ना, तो मतलब 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए इसको ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली. सो लेट्स डू इट. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है आजकल बहुत ज़्यादा ही सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या? सोशल मीडिया पर आजकल हर जगह देखो तो ऑर्गेनाइजेशन के आपको रील्स, वीडियो आपको देखने को मिल जाते हैं, और ऑर्गेनाइज़र की तो भरमार है ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको इतने सारे एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनाइज़र के दिख जाएंगे. बट आखिर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? सिंपल भाषा में, अगर सुबह सॉक्स मिल जाए, हैंकी आराम से मिल जाए, शर्ट्स प्रेस की हुई हो और टंगी हुई दिख जाए, स्कूल बैग, ड्रेस, ETC, एवरीथिंग इज देयर प्लेसेस एंड यू कैन फाइंड देम इजीली, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड होम. और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक मदर का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक होम मेकर का आप कह सकते हो, जो भी आपके लिए वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन और फिर भी लास्ट में कभी कभी सुनने को क्या मिलता है, आखिर ये होता क्या है, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी होती है? चलो ये भी ठीक है, कोई चाहे कैसे भी कहे, पर बातें करते करते मेरी दालों का ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया है. जो दाल जहाँ पे रहती है मैंने वो चीज़ें वहाँ पे रख दी है ऑर्गेनाइज करके. चलो, पर जिससे मैं जो है टाइम पर, मुझे पता है कि मेरी दाल कहाँ पे कौन सी रखी हुई है और मैं उसे आराम से इजीली ले सकती हूँ. और जितने भी मेरे पास होल स्पाइसेस होते हैं उनके लिए मैं ये बास्केट यूज़ करती हूँ ताकि मुझे ये सामने ही दिख जाए. कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं पर मैं नई खरीद के ले आती हूँ, और ये कंटेनर जिसमें हम ऑनलाइन फूड मंगाते हैं मैं इसको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, और मैं इसको दालें और कभी कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र ही मंगाएं और अपना मनी वेस्ट करें. इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मनी और टाइम दोनों सेव कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आज मेरा जितना भी काम था वो मोस्टली हो गया है, तो आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फैक्ट्री. फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.